वेलकम बैक ओल्ड बुल। हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टॉपिक ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस एंड इन दिस टॉपिक पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। मतलब हम देखेंगे कि डीएनए का जो पैकेजिंग किस प्रकार से होता है, यानी डीएनए का जो मॉलिक्यूल्स है या डीएनए किस प्रकार से पैकेजिंग होता है उसको हम डिटेल में समझेंगे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सबके लिए, तो अच्छे से इस क्लास को आप देखें। और चैनल पर अगर पहली बार आए तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, जिससे कि आपके फ्यूचर के आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं डायग्राम आपके सामने, ये जो डायग्राम देख रहे हैं इसको समझ लेते हैं, क्योंकि डायग्राम बायोलॉजी के अंदर का डायग्राम समझ में आ गया तो आई होप कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और बायोलॉजी के अंदर जो डायग्राम होते हैं उसी के नंबर्स होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये जो राउंड शेप है ये आपका एक प्रोटीन है, ठीक है। और ये क्या है, डीएनए है, और ये हिस्टोन प्रोटीन्स हो गए। फिर उसके बाद ये जो पूरा एरिया बन रहा है इसे क्या बोल रहे हैं, कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं। और जो ये पूरा एक सिस्टम है इसको क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोसोम्स बोल रहे हैं। ओके, क्लियर हुआ होगा। ये आप जानते हैं कि डीएनए है, फिर ये क्या है, एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। और डीएनए जो होता है किसके अंदर होता है, इन क्रोमोसोम्स के अंदर कंडेंस फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ये चीज हुई। फिर नेक्स्ट है आपका एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड क्रोमैटिन्स। ओके, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड क्रोमैटिन्स एंड हेयर प्रेजेंट ओवर देयर न्यूक्लियोसोम्स। ओके, सो एक ओवरव्यू मैंने दिया है आपको इसका, अब हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, फिर उसके बाद फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो है आपका पॉइंट आता है, बेसिक प्रोटीन्स इज कॉल्ड हिस्टोन, ठीक है। हिस्टोन द डीएनए, हिस्टोन रिच अमाइनो एसिड सच एज लाइसिन आर्गेनिन हिस्टोन आर। देखिए यहां पर मैं क्लियर कर रहा हूं कि बेसिक प्रोटीन्स जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हिस्टोन, उन्हें क्या कहते हैं, हिस्टोन कहते हैं। बेसिक प्रोटीन जो होते हैं उन्हें हिस्टोन कहते हैं। और हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, वो रिच अमाइनो एसिड्स होते हैं, रिच अमाइनो एसिड्स होते हैं। और सच एज इसके एग्जाम्पल आपको दिए हैं, जैसे लाइसिन और आर्गेनिन। ओके, मतलब कहने का ये हुआ कि ये देख रहे हैं आप डीएनए क्या है, इस मॉलिक्यूल्स के चारों ओर क्या है, लिपटा हुआ है। तो ये जो है आपका हिस्टोन ऑक्टोमर्स है, और आपका ये क्या है, H1 प्रोटीन्स है, ठीक है। ये चीज हो गई क्लियर। नेक्स्ट आपका क्या है, डीएनए इज नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए किस प्रकार का होता है, नेगेटिव चार्ज होता है आपका। डीएनए इज अ नेगेटिव चार्ज एंड डीएनए रैपिंग अराउंड द पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन ऑक्टोमर्स फ्रॉम द स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। अब देखिए, इस वाले जो पॉइंट के साथ हम इस पे आते हैं उसको समझेंगे। ये कह रहा है कि डीएनए इज अ नेगेटिव चार्ज। सबसे पहले जो ये डीएनए है आपका, कौन सा वाला, जो ब्लैक फॉर्म है आपकी जो दिख रही है, इसके चारों ओर रैप्ड हुई हुई, वो क्या है, डीएनए। हमें बताया कि डीएनए क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्लस हिस्टोन कैसा होता है, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। और जो डीएनए है वो नेगेटिव चार्ज है। तो यू नो दैट कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव आल्सो अट्रैक्ट बिटवीन ईच अदर। ओके, अब बात आगे क्या कह रहा है, डीएनए रैप्ड अराउंड द पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन ऑक्टोमर्स। और जो ये जो रैप्ड के डीएनए क्या कर रहा है, ऑक्टोमर्स के चारों ओर रैप्ड कर रहा है। क्यों रैप्ड कर रहा है, अट्रैक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि डीएनए क्या है आपका, नेगेटिव चार्ज है, हिस्टोन जो है आपका पॉजिटिव चार्ज है। और दैट स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। और जो ये स्ट्रक्चर बना, ये जो स्ट्रक्चर बना, इसी को हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोसोम। जो आपको ये लिखा दिख रहा है न्यूक्लियोसोम, क्लियर, इसको हम क्या कह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। ओके, अब न्यूक्लियोसोम टिपिकल कंटेन 200 टिपिकल कंडेंस 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स, ठीक है। इसके अंदर क्या 200 बेस पेयर पाए जाते हैं डीएनए हेलिक्स में। ओके, क्लियर। एंड न्यूक्लियोसोम्स कंसिस्ट द रिपीटेटिंग्स यूनिट स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमोसोम्स। जो न्यूक्लियोसोम्स है वो क्या होता है, बनता किससे है, वो रिपीटिंग्स यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर किसकी, न्यूक्लियस की रिपीटिंग स्ट्रक्चर से बनता है, और उसी को क्या कहते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। अब क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट स्टेन,
ठीक है, स्टेन दैट मीन कलर्ड, ठीक है, कलर्ड होता है। ये समझ आया आपके कि हिस्टोन वो सॉरी क्रोमेटिन जो है आपका कैसा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। यह आपका कैसा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, लाइक धागे के समान एक स्ट्रक्चर है, जो कि इसकी ये मैंने डायग्राम बनाई है। और क्या होता है, ये आपका स्टेन होता है, यानी कलरफुल में होता है, एक डार्क कलर होगा, एक आपका लाइट कलर होगा। तो यहाँ देखते हैं, द बेस ऑन द स्टेन्स स्ट्रक्चर इन क्रोमेटिन इज पैक टू फ्रॉम क्रोमेटिन फाइबर्स दैट आर फर्दर क्वाइल्ड एंड कंडेंस्ड स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। आपको पता है इससे पहले के चैप्टर में आपने मेंडल के जो लॉ वगैरह पढ़े उसमें वो स्टेजेस भी आएंगी डिवीजन की, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि एनाफेज मेटाफेज और ये सारी स्टेज में क्या क्या होता है। तो इस स्टेज में मैं बता रहा हूँ आपको कि जो मेटाफेज है, मेटाफेज की स्टेज में क्या होता है, जो हमारे क्या है क्रोमेटिन फाइबर्स हैं वो फर्दर क्या होते हैं, क्वाइल्ड होते हैं, फर्दर क्या होते हैं, क्वाइल्ड होते हैं, अगेंस्ट क्वाइल्ड एंड कंडेंस, कंडेंस दैट मीन बिल्कुल बहुत ज़्यादा पास पास आ जाते हैं, कंडेंस एट मेटाफेज स्टेज एट सेल डिवीजन फ्रॉम टू फ्रॉम क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोमल, और वो क्या कहलाता है आपका, क्रोमोसोम्स कहलाता है। क्रोमोसोम समझ में आ गया कि क्या होता है, क्रोमोसोम्स कहलाता है। और क्या है, स्टैंड स्ट्रक्चर होता है क्रोमेटिन का, पैक्ड आपका क्रोमेटिन के फाइबर्स के साथ। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट हियर, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, व्हाट इज दैट नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में NSC बोलते हैं। टू टाइप्स हैव, यू क्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन इज दैट लाइट स्टेन्स ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन होता है, एंड सेकेंड इज दैट हेट्रोक्रोमेटिन इनएक्टिव एंड डार्क स्टेन होता है। तो अब ये चीज थ्योरी तो हमने देख ली, अब थ्योरी देखने के बाद हम इस डायग्राम को समझते हैं कि किस प्रकार से कोई DNA क्या होता है, कि पैक्ड होता है और उसकी किस प्रकार से बनता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, ये DNA होता है, जैसे हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में पढ़ा था, DNA का एक ये स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि हेलिकल्स होता है, यानी सर्पिलाकार होता है, एक इमठी भी इसकी शेप होती है। फिर उसके बाद किसी भी एक सेल आपके सामने ये दिख रही है, क्या है ये सेल, सेल दिख रही है, और सेल के जो बीच में दिख रहा है आपको ये क्या है, न्यूक्लियस, ये क्या है न्यूक्लियस। एवरी सेल हैव ऑलरेडी ओन न्यूक्लियस, दे कंट्रोल ऑल फंक्शंस सेल्स। तो ये क्या करता है, सेल का एक क्या है, अपना एक न्यूक्लियस होता है प्रत्येक सेल का, जो कि उस सेल के जितने भी फंक्शंस है वो कंट्रोल करता है। अब ये जो आपके अंदर दिख रहे हैं बहुत ज्यादा कंडेंस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड DNA, condensed structure that is called DNA, and they have chromosomes. ये क्या है आपके, ये क्या है chromosomes. I hope कि आपने इसकी जो structure है chromosomes की देखी होगी किस प्रकार की होती है। तो ये निकल के आया हमने DNA, ये है हमारा बिल्कुल जो मैग्नीफाइंड किया गया, बहुत बड़े करके देखा गया है। फिर उसके बाद एक सेल ली है, सेल के बाद आपका क्या है, इसके अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कर रहे हैं, क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर DNA होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर DNA होता है। ओके, अब बात ये चीज समझ में आ गई होगी। उसके बाद जो हम बात कर रहे हैं कि ये जो है, ये न्यूक्लियोसोम तो बन गए, लेकिन न्यूक्लियोसोम बनने के बाद जो आगे का स्ट्रक्चर है क्या कह रहे हैं, पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स, पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स का आगे मतलब किस प्रकार से हो रहा है ये देखना है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिन। ओके, नाउ ये जो ऊपर आपको दिख रहे हैं लाइक बीट्स लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, बीट, ठीक है, बीट लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। अब होता क्या है कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन पे क्या होते हैं, ये अटैच होते हैं, अटैच होते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं, ये रिपीटिंग। अब इस पे आइए, देखिए ये जो पॉइंट आपको बोला था, ये वाला जो आपका पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है, जो उस पर न्यूक्लियोसोम्स हैं वो क्या है, उसके बहुत सारे मैनी रिपीटिंग्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं, बहुत सारे देखिए आप क्रोमोसोम्स पाए गए हैं इस पर, क्रोमेटिन पे लगे हुए, तो वही क्या होता है, क्रोमेटिन कहलाता है। और क्रोमेटिन यू नो दैट की स्ट्रक्चर होता है आपका एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये कुछ एक मैकेनिज्म थी इसकी, जो कि हमने देखा कि पैकेजिंग ऑफ DNA किस प्रकार का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट हियर आपके टू टाइप्स ऑफ
हिस्टोन क्रोमोसोमल, हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन NHC, ओके। तो ये चीज आपको इसका नोट्स भी बनाना है और देखना भी है, समझना है। बार बार वीडियो को आप प्ले करके देखिए, अगर एक बार समझ में नहीं आती है और उसके बाद भी नहीं आती है तो प्लीज कमेंट कीजिए और क्या कहते हैं उसमें मुझे बताइए इनबॉक्स में करके कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं है, मैं उसको फर्दर कंसिडर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।